पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगली बड़ी खबर, कासगंज से अज्ञात चोरों ने मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया। 60 एंड्रॉइड और 30 कीपैड मोबाइल, 3,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। बीती रात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। कोतवाली पटियाली के नरदोली रोड का मामला बताया जा रहा है। तो कासगंज में अज्ञात चोरों ने मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया है। 60 एंड्रॉइड, 30 कीपैड मोबाइल और 3,000 रुपए की नकदी लेकर चोर फरार हो गए हैं। बीती रात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। कोतवाली पटियाली के नरदोली रोड का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह दुकान थी और चोरों ने इस दुकान को अपना निशाना बनाते हुए 60 एंड्रॉइड मोबाइल, 30 कीपैड और 3,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। तो कासगंज में बीती रात चोरों ने एक मोबाइल की शॉप को अपना निशाना बनाया, जहां से 60 एंड्रॉइड मोबाइल, 30 कीपैड मोबाइल और 3,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। अज्ञात चोरों ने मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बीती रात की यह घटना बताई जा रही है। तो कासगंज में चोरों ने एक अज्ञात मोबाइल शॉप को अपना निशाना बनाया, जहां से 60 एंड्रॉइड मोबाइल, 30 कीपैड मोबाइल और 3,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ करके वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात इस घटना को अंजाम दिया गया और कोतवाली पटियाली के नरदोली रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये मोबाइल की दुकान थी और चोरों ने इसको अपना निशाना बनाया। और कासगंज से हमारे संवाददाता आयुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। आयुष, कल बीती रात में एक मोबाइल की शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया, लगभग कितने रुपए का चोरों ने अपना हाथ साफ किया, कितने रुपए की लूट हुई है? देखिए, बिल्कुल बता दूं, कासगंज में ये पूरा मामला है, जहां पटियाली का पूरा मामला है। लगातार कासगंज जनपद में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लगातार वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बीती रात का ये मामला है पटियाली थाना क्षेत्र के नरदौली का बताया जा रहा है, जहां पर चोर आते हैं, मोबाइल की दुकान में नकाब लगाते हैं, दीवार तोड़कर वो चोर जो है वो दीवार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर काफी मोबाइल और जो जरूरी सामान है वो सब सामान निकाल कर ले जाते हैं। फिलहाल जब दुकानदार से इस बारे में बातचीत हुई तो उसने बताया है कि लाखों रुपए की कीमत का उसका माल निकालकर जो है वो चोर ले गए हैं, काफी उसका नुकसान किया है और जो कुछ दुकान में था, नकदी और मोबाइल, वो दोनों ही साफ कर दिए हैं। जी धीरेन्द्र। आयुष, शुरुआती जांच में पुलिस की क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जो चोर थे उनके बारे में अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अगर बात करें पुलिस की शुरुआती जांच की तो पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन पुलिस अभी तक जो चोर हैं उनकी गिरेवान तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि लगातार पुलिस दावा कर रही है कि जो सर्विलांस टीम है लगातार उनकी लोकेशन निकाल रही है, लेकिन पुलिस को अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। और बात करें अगर पुलिस की शुरुआती जांच की तो पुलिस लगातार जांच में कह रही है कि चोर आते हैं, नकाब लगाते हैं और पूरी घटना ये सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं होती है, क्योंकि चोर जो है वो सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर देते हैं। जी आयुष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पुलिस अब चोरों की तलाश करने में जुटी हुई है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी मदद से अब चोरों को पकड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है। फिलहाल लाखों रुपए का सामान चोर लेकर फरार हुए हैं, ये दुकानदार की तरफ से बताया गया है।